हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस बाय दिनकर सर में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी पेट 2023 का एग्जाम आने वाला है। आज के इस क्लास में पेट 2021 में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें केवल हमने अरिथमेटिक पार्ट को पूरा किया है। जो अरिथमेटिक 5 नंबर का था उसको मैंने कोशिश किया है कि जो आप लोगों को अच्छे से समझाया जाए प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके, क्योंकि इसी प्रकार का ट्रेंड अब आने वाले एग्जाम्स में भी पेट के बना हुआ है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को पेट 2021 के प्रीवियस ईयर को बताया जाए। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। रूट क्वेश्चन मार्क 196 बराबर 72/56। तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या है? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को हम लोग मान लेते हैं एक्स है, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं क्या हुआ, रूट एक्स बटे 196। ठीक, लिख लिया। फिर क्या किया, 72/56। अब हम लोगों ने क्या किया, इसका रूट ले लिया। तो रूट लिया तो कितना आया है, यह रूट एक्स, और ये कितने का वर्ग होता है, 13 का 169 होता है, ये कितना हुआ 14 का, तो 14 का हो गया। तो हमने लिखा यहां पे 72/56, तो ये कितना बार लग गया, 14 चक्कू 56, और ये कितनी बार, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 अट्ठी 32। तो हमने देखा क्या, रूट एक्स कितना है यहां पे 18। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, ना कि रूट एक्स, ये तो पूरा रूट एक्स है। तो यहां हम लोगों को एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क को माना है एक्स, तो हम लोग इसका वर्ग कर लेंगे। तो एक्स बराबर क्या होगा, 18 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 324। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो क्या हुआ, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था पेट 2021 में, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है √5 − √3 / √5 + √3 का मान क्या है। तो जब भी इस प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना रहता है, इसके लिए आप लोगों को 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला क्या हुआ, a + b (a − b), ये क्या होता है, a² - b² और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, a − b² (a² + b² - 2ab। इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। हम लोग साथ करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी है तो आप लोग क्या करेंगे, इसका पहले परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने के लिए क्या होगा, इसके संयुग्मी से यहाँ गुणा किया जाएगा ऊपर और नीचे। तो इसका संयुग्मी क्या हुआ, यहाँ प्लस है तो इसका संयुग्मी माइनस में होगा, तो इसके संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, √5 − √3, यहां क्या होगा, √5 + √3, इसका संयुग्मी यह होगा √5 − √3, और यहां भी √5 − √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखा ये a + b है, ये a − b है, तो यहां a + b (a − b) क्या है, a² - b, तो हमने लिख लिया इसको नीचे। तो ये √5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5, √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3, तो 5 − 3 हो गया। अब इसका हो गया वर्ग, तो यहां लिख लेते हैं इसका √5 − √3 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग खोल के भी लिख सकते हैं, a − b² होता है a² b² − 2b, तो हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5, √3 का कितना हुआ, +3, फिर कितना आया, −2 × √5 × √3। अब क्या है, नीचे 2 है, 5 − 3 कितना हुआ, 2, तो यहां कितना आया, ये 8 − 2, इसको क्या करेंगे, ये रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 × 3 कितना हुआ, 15, मतलब गुणा हो जाएंगे।
तो हमने यहाँ क्या लिया दो, तो हम लोगों ने यहाँ से दो कॉमन ले लिया, तो दो कॉमन लिया तो कितना आया, यहाँ बचा चार माइनस दो कॉमन लिया तो यहाँ रूट पंद्रह बचा, चार माइनस रूट पंद्रह बटे कितना आया दो, तो दो से दो कट गया, तो क्या आया इस क्वेश्चन का आंसर, तो क्या बचा यहाँ पे चार माइनस रूट पंद्रह, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन फार्मूले पे क्वेश्चंस पेट 2023 में भी आने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीन में दिया हुआ है एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग ये क्या है कि सतत प्रभाव पड़ रहा है इस पे, क्या टीवी सेट का मूल्य घटाया जा रहा है बिक्री बढ़ रही है, मतलब सतत चल रहा है, मतलब लगातार वृद्धि या कमी हो रही है। तो इस प्रकार का जब भी जहां पे आए तो यहाँ पे बे बराबर मूल गुणे खपत होता है, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को हमेशा सक्सेसिव मेथड का मतलब सतत मेथड का यूज करना है, सतत, ठीक है, सतत तरीके का, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का है, अगर यहां पे कमी होगी, अगर कमी है तो कमी को लेंगे माइनस चिन्ह के साथ, अगर वृद्धि है तो वृद्धि को हमेशा लेंगे प्लस चिन्ह के साथ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां क्या कहा गया है, यहां हम लोग यही वाला फार्मूला लगाते हैं, सतत वाला, सतत वाला लगाएंगे तो हम लोग लिख लेते हैं आंसर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टीबी सेट का मूल्य 30% घट रहा था, मान लो ए, माना कि ए बराबर माइनस 30% है और बिक्री, माना बी बराबर कितना है 20% बढ़ गई, मतलब 20% प्लस में, तो हम लोग क्या लेंगे यहां पे माइनस 30 लिए प्लस 20 ले लिए यहां पे प्लस, फिर ए का मान क्या है माइनस 30, फिर क्या बी का मान है कितना 20, तो कितना हो नीचे बटे 100 पूरे का होल परसेंटेज, परसेंट का साइन लगाए। अब क्या है, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, अब क्या हुआ माइनस 30 में से 20 जाएगा कितना बचा माइनस का 10, अब यहां का है माइनस 3 इंटू 2 कितना हुआ माइनस का 6, तो 10 माइनस, माइनस 10 माइनस 6 कितना हुआ माइनस का 16 टोटल परसेंट, तो माइनस 16% आया। तो माइनस 16% मतलब माइनस का चिन्ह आ रहा, तो माइनस क्या दर्शाता है कमी, तो क्या होगा 16% की कमी, मतलब अगर उसका टीबी सेट का मूल्य 30% घटा दिया जाए तो बिक्री तो 20% बढ़ जाएगी पर, लेकिन उसकी आय पर 16% की कमी होगी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर एक सही हो गया, तो आप लोग नोट कर लीजिए। उससे पहले इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ठीक है। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हमेशा आप सतत मेथड का यूज करिए, यह सतत मेथड का फार्मूला रहता है, आप इसी से इस सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग सतत मेथड का ही यूज करें यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार क्या पेट 2021 में आया होता, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस पेट लगातार पूछ रहा है आपके एग्जाम्स में, पिछले साल भी आया था, तो आप लोगों को औसत के
क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज दूंगा अगले लेक्चर में, जिसमें मैं औसत के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वहां से औसत के क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। औसत का क्वेश्चन आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन औसत से तो पक्का ही आना है। तो यहाँ पे इस प्रकार का जब भी कॉन्सेप्ट आपको दिया हो, तो इस प्रकार के मेथड को मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा, एक बेसिक मेथड और एक दूसरा मेथड बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या इसका बेसिक मेथड है। तो पहले मेथड जो हम लोग देखते हैं, पहले मेथड में क्या है, फर्स्ट में क्या है, चार खिलाड़ियों का औसतन उम्र। तो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। मतलब जितनी संख्या होगी उनका योग बटे जितने नंबर्स होंगे उसका। तो हम लोग यहां लिख लिख यहां क्या बना लेते हैं, यहां हम लोग बना लेते हैं एक कॉलम बना लेते हैं औसत का, एक बना लेते हैं संख्या का, एक बना लेते हैं योग का। तो बेहतर है कि आप लोग इसी मेथड से करिए, और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। तो औसत यहां पे क्या दिया, यहां चार खिलाड़ियों का औसत उम्र कितनी है, 18.5 वर्ष। अगर कोच की उम्र उसमें शामिल कर ली जाए और औसत उम्र 20% बढ़ जाए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए किसी को शामिल करने से उसकी औसत उम्र घटे या बढ़े, तो आप लोगों को हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो सबसे पहले यहां क्या दिया है, चार खिलाड़ी, तो कितनी संख्या दी है, चार, और औसत उम्र कितनी है, 18.5। अब क्या है, अगर कोच की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो औसत उम्र यहां कितनी है, 18.5%। तो ये कितनी बढ़ जाती है, 20%। तो हम लोग 20% इसका निकाल लेते हैं, तो 20 बटे कितना होगा, 100। अगर आप लोगों को ये परसेंटेज निकालना नहीं आता, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल की मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हमने पिछले क्वेश्चन में जो सक्सेसिव मेथड बताया है उसको भी अच्छे से बता रखा है, और परसेंटेज को भिन्न और भिन्न को परसेंटेज में बदलना भी अच्छे से बता रखा है। तो आप लोग वहां से कवर कर लीजिए। तो इसको हम लोग काट देते हैं, तो 20 × 5 = 100। फिर क्या करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35। तो कितना आया, 3.7। तो 3.7 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, तो कितना हुआ ये, 22.2। 7 × 5 = 12, 8 × 3 = 21, 22.2। अब क्या है, अब चार पहले संख्या थी, एक शामिल कर लिया गया, तो क्या हो गया इसका, 5 हो गई। तो यहां प्लस यूनिट कितने, इतने यूनिट की यहां बढ़ोतरी हुई। तो हम लोग अब इसका क्या करते हैं, योग को हम क्या लिख सकते हैं, औसत इंटू योग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो हम लोग यहां औसत गुणे संख्या कर लेते हैं, तो इसको गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, देखिए गुणा करके कितना होगा ये, 4 × 5 = 20 का 0, 4 × 8 = 32, 32 × 2 = 34, 4 × 1 = 4 = 37। तो यहां कितना आया, ये दशमलव लगाए गए के बाद, फिर इसको बात कर लेते हैं, तो क्या हुआ, 5 × 2 = 10, 10 का 0, 5 × 2 = 10 = 11, 5 × 2 = 11, 0.1 अंक के बाद, तो कितना आया, 74 और 111। तो हमसे यही पूछा गया है कि कितने यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। तो हमने देखा कि अब अध्यापक की उम्र ज्ञात करनी है, तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करनी है, तो पहले कितना योग था, 74, अब कितना हो गया, 111। तो अब हम लोगों को अध्यापक की उम्र यहां से पता चल जाएगी, अध्यापक की उम्र बराबर हो जाएगी 111 - 74। तो हम लोग यहां से घटा देंगे, कितना आएगा, 11 में से 4 गया तो कितना, 7, यहां 10 बचा तो कितना आया, 37 वर्ष। इसको इनका आंसर हो गया। ये तो हुआ एक बेसिक अप्रोच, जो एक फार्मूले पे बेस्ड था, औसत बराबर योग बटे संख्या पे। अब हम लोग एक नया देख लेते हैं मेथड, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी रहेगी किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, जहां पे कोई शामिल कर लिया जाए, कोई निकल के चला जाए, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो सेकेंड मेथड में हम लोग देखते हैं क्या, सेकेंड में क्या है, चार खिलाड़ियों को औसत उम्र 18.5 वर्ष है। तो हमने क्या लिखा है, चार खिलाड़ी, कितने लिखा, 18.5, ठीक,
तो बढ़ोतरी हो रही है 20% की, तो इसमें 20% बढ़ा देंगे, तो 20% यहां से हम लोग निकाला था कितना आया था 3.7%, तो सीधा हम लोग यहां पे कितना बढ़ा देंगे प्लस 3.7, तो ये कितना हुआ 22.2, तो ये कितना हुआ यहाँ पे एक ऐड हुआ तो कितना आ गया यहाँ पे 5, मतलब पोच आया यहाँ पे तो कितना हो गया 5। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जितने यहाँ प्लस की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, जितना यहाँ प्लस आया उसको हम लोग क्या करना है इस वाली संख्या से गुणा कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 5 × 3.7, तो अब क्या करेंगे इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 3 = 18.5, जो यहां से गुणा आया इसमें जाके प्लस कर देंगे, मतलब जो यहां से आया इसको इस संख्या से गुणा करके और इसमें प्लस कर देंगे, तो 18.5 आए, अब 18.5 में इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 18.5 + 18.5, यहां पे कितना आएगा 37 वर्ष। अगर यहीं पे होता कमी होता तो यहां माइनस होता तो हम लोग क्या करते इसको मल्टीप्लाई करते तो माइनस में आता तो हम लोग इसमें घटा देते, ठीक है। आप अगर ऐसे भी करना चाहें इसको भी अगर इससे गुणा करें फिर घटा दें तो उतना ही आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम लोग आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान मेथड यही वाला है कि तो आप लोग यही वाला यूज करिए एग्जाम में, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। इस टॉपिक पे आपका एक क्वेश्चन आना पक्का ही है पेट में, औसत से हर बार लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेट एग्जाम में, तो इस बार भी औसत से आप एक क्वेश्चन उम्मीद रखिए कि आएगा ही पक्का। ये पांचवा और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का जो पेट 2021 में पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसी शिफ्ट नहीं है जिस शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को कई बार लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसके लिए 3-4 फार्मूले रहते हैं आप लोगों को याद करना रहता है। देखने में तो ये आसान सा है लेकिन बिल्कुल फार्मूले पे ही बेस्ड रहता है। जैसे यहाँ a³ - b³ क्या होता है, a - b a² + ab + b² a + b³ दिया हुआ है तो a + b a² - ab + b² होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार इस फॉर्मूले को हम लोगों ने लिख दिया a³ - b³ + a² + a² + ab + b² = a - b। इसी फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है, अगर a³ - b³ / a² + ab + b² है तो यहाँ पे क्या होगा a - b, अगर यहाँ पे हुआ a³ + b³ / a² - ab + b² तो यहाँ क्या होगा a + b, ठीक है। इसी प्रकार अगर a + b² - a - b² दिया हुआ तो इसको इसका क्या मान आएगा 4ab। हमेशा अगर इस तरीके का क्वेश्चन में दिया हुआ तो आप लोगों को हमेशा 4ab लिखना है। कभी कभी क्या होता है ये ab इसके नीचे लिखा आ जाता है तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल 4 हो जाता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन हुआ, अगर बीच में प्लस का साइन है तो क्या होगा a + b² + a - b² / a² + b² का हमेशा मान 2 के बराबर होगा। तो इन फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ 885 × 885 × 115 × 115। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 बार दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, ये हो गया 885 का³ + यहाँ पे प्लस था, ठीक, तो क्या हुआ +115 का³, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे ये क्या दिया हुआ है a² - ab, ये क्या दिया हुआ +b², मतलब ये वाला a² - ab + b², तो जब माइनस आएगा तो क्या होगा प्लस होगा यहां पे, तो क्या होगा यहां पे लिख लेते हैं 885 का² - 885 × 115 + 115 का² तो देखते हैं क्या है। अब यहां क्या होगा, क्योंकि a + b ऊपर प्लस में है तो यहां भी प्लस में ही आएगा, तो क्या आया 885
प्लस मतलब ए प्लस बी इसका आंसर होगा, तो 115, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1000। ठीक है, 1000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जल्दी ही हम आप लोगों के लिए सीरीज लाने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, आपको टॉप 10 क्वेश्चंस देंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करने एग्जाम में जाना है, जिससे आप लोगों को अरिथमेटिक में 5 मार्क्स आप लोगों को पक्के करना है। इसका मैं फुल एश्योरेंस दिलाता हूं, अगर आप मेरे उन बताए हुए गए क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे तो आपको अरिथमेटिक में 5 में 5 100% श्योर आप लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने यूपी त्रिपल एससी पेट 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को देखा, कल हम लोग यूपी त्रिपल एससी पेट में सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग डीआई और 2022 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।